हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग क्लास अपार्ट. आई होप दिस चैनल इज रियली गिविंग यू क्लास अपार्ट एक्सपीरियंस. और आप सबको बहुत बहुत मजा आ रहा है ये वीडियोस देख करके, एंड दे आर रियली प्रूविंग वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल. तो बच्चों, क्या है कि यू नो, ये जो क्लास अपार्ट है, यहाँ पर हम लोग जो हैं रोज़ का रोज़ एक एक नया चैप्टर पढ़ते हैं. तो आज गाइस हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6. आई थिंक दिस इज चैप्टर नंबर 6 इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑफ योर, एक मिनट रुक जाओ, मैं एक बारी कंफर्म कर लेती हूँ. चैप्टर नंबर 6 थी है ना, आई थिंक. चैप्टर ओके, क्लास 7th इंग्लिश, एक मिनट रुक जाओ. Yes, I think this is okay. This is chapter number 7. Sorry, ये बच्चों है आपका chapter number 7, the inventions of Vita Wonka. ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ बच्चों, ये है एक छोटी सी क्यूट सी स्टोरी अबाउट अ सेल्फ डिक्लेयर्ड साइंटिस्ट, जो कि ऑफकोर्स इमेजिनेटिव है. इट्स अ फिक्शियस कैरेक्टर. तो एक ऐसे साइंटिस्ट है जो अलग अलग चीज़ों को ईजाद करता रहता है, अलग अलग चीज़ें मिक्स कर करके ट्राई करता रहता है कुछ कुछ नया बनाने का. तो देखते हैं ये जो विली वोंका है, इसने फाइनली बेसिकली क्या इन्वेंट किया है, क्या ऐसी नई चीज़ इन्वेंट की है. बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ इन्वेंट की है. मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ. एक ऐसी चीज़ जो कि बेसिकली जिसको पीने से बंदे की एज कम हो जाती है. सो बेसिकली अगेन इट्स इमेजिनेटिव, ऐसा होता कुछ नहीं है. बट या, विली वोंका इज एन इमेजिनेटिव कैरेक्टर इन द स्टोरी, जिसने बेसिकली एक ऐसा ड्रिंक जो है क्रिएट किया है जिसको पीने से लोगों की जो एज होती है वो कम हो जाती है. सो वाओ, इजंट इट इंटरेस्टिंग? लाइक इमेजिन यू जस्ट हैव समथिंग एंड ओवरनाइट यू आर लाइक some 10 to 20 years younger than what you used to be. Now what if you were already very very young? Your age could go into negative, that means you might stop to exist. तो यही हुआ है exactly विली वोंका के साथ में. उन्हें कोई ऐसी ड्रिंक इजाद कर दी है जिससे कि लोगों की एज बहुत कम हो जाती है. अब क्या हो गया है कि जिनकी एज बहुत कम हो गई और जिनकी नेगेटिव में चले गई, अब उनको क्या करना है? तो अब विली वोंका को ऐसी ड्रिंक बनानी पड़ेगी विच कुड मेक यू ग्रो ओल्ड. ठीक है, सो उसको रिवर्स करने के लिए प्रोसेस एक ऐसी ड्रिंक बनानी पड़ेगी जो कि बेसिकली आपको ओल्ड कर दे. तो अब देखते हैं कि फाइनली व्हाट डज ही एंड अप विद. वेल बच्चों, बिफोर वी स्टार्ट आई वांट टू टेल यू ऑल, इज योर स्कूल एग्जाम विद अन अकेडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन. यूज दिस कोड SOS10, यूज माई कोड SOS10 टू गेट फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन योर परचेज. Then here it is, bachcho, my name is Sonam Sudhan, I am your English educator. Most welcome to my session. I come with 4 plus years of learning experience. I hope aap sabne mere ko Unacademy 6 pe dekh rahe ho kafi time se. Hope you all are enjoying the experience there also. And class apart, of course, it's even better. So before we go ahead, guys, main aap logon ko Unacademy class 6th, aapko ye bata deti hu ki ye jo Telegram channel hai Unacademy class 6th ka, jiska link description box mein bhi hai, isko zarur join kare. Isko join karne se aapko latest updates milte rahenge, jo bhi latest sessions honge unki. So don't forget to join this link so that you are always updated. In fact, class 7th, क्लास 8 सबका जो है एक चैनल बना हुआ है टेलीग्राम पे, उनको जरूर ज्वाइन करें. एंड हियर इट इज गाइस, बग्स बाउंटी. तो बग्स बाउंटी क्या है? कोई भी एजुकेटर जिसका कंटेंट आपको इनअप्रोप्रिएट लगता है, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं. इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. देन गाइज, व्हाट इज अनअकैडमी आस्क डाउट? घर बैठे बैठे आप सवाल पूछ सकते हैं, जितने मर्जी चाहें और जब मर्जी चाहें पूछ सकते हैं. और आपको जवाब जो है बहुत ही इंस्टेंटली मिलेंगे, बहुत ही एक्यूरेट आंसर्स मिलेंगे. और आपको जवाब में क्या मिलेगा? आपको मिलेगा वीडियो सॉल्यूशंस इन इंग्लिश एंड हिंदी. तो घर बैठे बैठे होमवर्क के लिए भी असिस्टेंस मिलेगा. सो गो अहेड एंड टेक यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी. तो बच्चों, आस्क डाउट आपको यूज कैसे करना है? यू हैव टू गो टू द अनअकैडमी ऐप, क्लिक ऑन आस्क डाउट. फिर आप अपने डाउट का एक पिक्चर खींचे. पिक्चर क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है? अपने पिक्चर को क्रॉप करना है. क्रॉप करने के बाद में आप अपना सब्जेक्ट मैच करें और फिर अपने क्वेश्चन को भेज दें, एंड विद इन नो टाइम यू विल गेट एन आंसर. चलिए बच्चों, लेट्स स्टडी अबाउट द इन्वेंशंस ऑफ विटा वोंका. सो बेसिकली विली वोंका ने फाइनली एक ऐसी ड्रिंक बनाई है जिसका नाम दिया है विटा वोंका, एंड लेट्स सी व्हाट इज दिस ड्रिंक ऑल अबाउट.
चलिए सो लेट्स स्टार्ट. मिस्टर विली वोंका बिगिंस बाय इन्वेंटिंग वोंका वीटा, ठीक है, विच मेक्स पीपल यंगर. तो सबसे पहले जो है विली वोंका ने वोंका वीटा बनाया था, जो पीने से लोग जो हैं यंगर यंग हो जाते थे. बट वोंका वीटा इज टू स्ट्रॉन्ग, ठीक है, सो सम पीपल डिसअपीयर बिकॉज देयर एज बिकम्स माइनस. वन पर्सन एक्चुअली बिकम माइनस 87, विच मीन्स ही गॉट टू वेट 87 ईयर्स बिफोर ही कुड अपीयर बैक. यानी कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग वोंका वीटा इतनी स्ट्रॉन्ग ड्रिंक थी कि वो पीने से कईयों की एज माइनस हो गई, यानी कि बिल्कुल ही कम हो गई, इतनी कम हो गई कि माइनस में चली गई. तो अब जो है वो कैसे यू नो वो इतनी माइनस इतनी नेगेटिव में चली गई कि वो माइनस 87 ईयर्स की हो गई, यानी कि उसको 87 ईयर्स का होना पड़ेगा, दोबारा 87 ईयर्स तक वेट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अपीयर बैक. ठीक है, सो लेट्स सी मिस्टर विली वोंका अब ये नई ऐसी कौन सी एंटीडोट बनाते हैं जिससे कि लोग जो हैं जो बहुत बूढ़े हो गए हैं, बहुत यंग हो गए, नेगेटिव में चले गए, दे कैन कम बैक टू लाइफ एंड दे कैन बिकम ओल्ड अगेन. लेट्स गो अहेड. ओके, मिस्टर वोंका सेड, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स एंड सेट टू वर्क. Once again, I squeezed my brain searching for the new recipe. I had to create age to make people old. Old, older, oldest. Ha ha, I cried, for the new ideas were beginning to come. What is the oldest living thing in the world? What lives longer than anything else? A tree, Charlie said. तो अब क्या है, ये कॉन्वर्सेशन चल रही है मिस्टर वोंका और चार्ली के बीच में. तो he rolled up his sleeves. So rolled up his sleeves का मतलब क्या होता है, ये basically एक तरीका होता है कहने का when you're getting ready for work, यानी कि आपको कोई काम करना है आप उसके लिए ready हो रहे हो. ठीक है, I rolled up my sleeves and set to work. तो set to work मतलब now you are like getting back to work, you're trying to pull up your socks, you're trying to focus all your energy so as to get back to work. ठीक है, सो नाउ चार्ली और मिस्टर वोंका के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रही है. तो मिस्टर वोंका आस्क्ड चार्ली, व्हाट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड. सो अब मिस्टर वोंका सेज कि भाई मुझे तो कोई ऐसी चीज क्रिएट करनी है जिससे लोग ओल्ड हो जाएं, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट हो जाएं. तो देन ही उनके दिमाग में आइडियाज आना शुरू हो गए. तो वो कहते हैं ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा जीती है दुनिया में, व्हाट इज इट. तो चार्ली जवाब देता है अ ट्री. And he says, right here, Charlie, but what kind of a tree? Kaisa tree? Not the Douglas fir, not the oak, not the cedar. No, no, my boy. It is a tree called Bristol Cone Pine that grows upon the slopes of Wheeler Park in Nevada, USA. Basically, this story is USA ke around hai. तो चार्ली कहता है यस सर, इट्स अ ट्री. ट्री होता है जो सबसे ज्यादा ग्रो करता है. तो फिर वो मिस्टर वोंका कहते हैं, बट कैसा ट्री, नॉट बट व्हाट काइंड ऑफ ट्री, कैसा ट्री, नॉट द डगलस फिर. डगलस फिर ये सब ट्रीज के वेराइटीज है, नॉट द डगलस फिर, नॉट द ओक, नॉट द सीडर. तो ये सब ट्रीज नहीं, बल्कि कौन सा ट्री, ब्रिस्टल कोन पाइन दैट ग्रोज ऑन द स्लोप्स ऑफ व्हीलर पीक. तो व्हीलर पीक एक जगह है नेवाडा, नेवाडा इज अगेन अ स्टेट इन यूएसए. तो नेवाडा में व्हीलर पीक के ऊपर एक जो है एक ट्री ग्रो करता है ब्रिस्टल कोन, वो ट्री सबसे लॉन्गेस्ट ग्रो करता है. तो यू कैन फाइंड ब्रिस्टल कोन पाइन्स ऑन व्हीलर पीक टूडे, दे आर ओवर 4,000 ईयर्स ओल्ड. तो वो कहता है कि ब्रिस्टल कोन जो पाइन है वो आपको व्हीलर पीक पर मिलेगा और वो बेसिकली 4,000 साल ओल्ड है. ठीक है, दैट इज अ फैक्ट चार्ली, आस्क एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट यू लाइक. तो वो कहते हैं कि आप किसी भी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट से पूछो, मिस्टर वोंका सेज चार्ली को कि तुम किसी भी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट से पूछो. नाउ हु इज अ डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट, ऐसा बंदा जो कि बेसिकली टाइम का पता लगाता है कि एक ट्री जो है वो कितना पुराना है और किस बेसिस पे, जो ट्री के ट्रंक के अंदर रिंग्स बने होते हैं ना उसके बेसिस पे वो पता लगाता है. सो सच अ पर्सन इज कॉल्ड एज अ डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट. एंड लुक दैट वर्ड अप इन द डिक्शनरी व्हेन यू गेट होम, विल यू प्लीज. तो ऑफकोर्स मिस्टर वोंका नोज दैट चार्ली को तो डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट का मतलब पता नहीं होगा. वो कहते हैं तुम घर जाकर इस वर्ड का मीनिंग जरूर देखना. Okay, so that started me off. I jumped into the great glass elevator and rushed
all over the world collecting special items from the oldest living things. तो मिस्टर वोंका सेज कि जब मेरे दिमाग में ये आइडिया आया तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अब जो हूँ जल्दी से जाऊँगा और जो सबसे ओल्डेस्ट चीज़ें हैं दुनिया में उनका मैं एक कलेक्शन इकट्ठा करूँगा. ठीक है जी, चलो लेट्स गो अहेड. ओके, अब वो क्या क्या इकट्ठा कर रहा है? अ पाइंट ऑफ सैप फ्रॉम अ 4000 ईयर ओल्ड ब्रिस्टल कोन पाइन. अ पाइंट मतलब थोड़ा सा कुछ ml. Sap मतलब लिक्विड फ्रॉम ब्रिस्टल कोन ट्री से तो लेगा ही वो. The toenail clippings from a 168-year-old Russian farmer called as Petrovich Gregovich. तो एक रशियन फार्मर है जो 168 years old का है तो उसके toenail की छोटी सी क्लिपिंग वो लेगा. An egg laid by a 200-year-old tortoise belonging to the king of Tonga. So, यहाँ से एक कोई 200 year old tortoise है उसका भी वो एक egg जो ले किया उसने वो भी लेगा. The tail of a 51 year old horse in Arabia. तो अगर आप observe करें Mr. Willy Wonka has gone so crazy over creating this ring that he's gonna travel the entire world to get these items which are so so old. Okay. The tail of a 51-year-old horse in Arabia. The whiskers. Whisker kya hote hain? Baal. The whiskers of a 36-year-old cat called Crumpets. An old flea which has lived on Crumpets for 36 years. Flea kya hote hain? Choti si makhi jisko bolte hain. An old flea jo ki basically Crumpets ke upar rahi hai 36 years ke liye. The tail of a 207-year-old giant rat from Tibet. To 207 old एक बड़ा सा rat है जो तिब्बत में रहता है वहाँ से उसकी tail लेंगे. The black teeth of a 97-year-old gremlin living in a cave on Mount Popolitica. तो ये एक बड़ी अजीब सी जगह है, कोई ऐसे अजीब सा ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत 97 इयर्स ओल्ड है उसको भी लाना चाहता है. द नकल बोन्स ऑफ अ 700 ईयर ओल्ड कैटलू फ्रॉम पेरू. सो पेरू एक जगह का नाम है तो कैटलू जो है ये जो भी नाम है ये अजीब अजीब सी चीज़ें जो है वो 700 ईयर ओल्ड की उसके नकल बोन्स है उसको इकट्ठा करना. सो बेसिकली ही हैज़ गॉन कम completely crazy for creating this drink which he believes is going to age people fast, faster and fastest. So let us see ki bhai ye jo inki discovery hai, ye jo inka ek creativity chal rahi hai dimag mein, jo inko lag raha hai ki koi aisi drink banayenge, let's see what does he land into. Okay, all over the world Charlie, Mr. Wonka went on, I tracked down very old and ancient animals and took an important little bit of something from each one of them. So then Mr. Wonka अपनी कहानी सुना रहे हैं लंबी लंबी. हाँ कि मैंने क्या किया, मैंने दुनिया की सबसे old animals को इकट्ठा किया, ancient animals, और थोड़ा थोड़ा हिस्सा मैंने उन सब से लिया, a hair or an eyebrow or sometimes it was or sometimes it was no more than an oops okay sometimes it was no more than an ounce or two of the jam scraped from between its toes while it was sleeping I tracked down. तो इसने क्या किया मिस्टर विलो वोंका ने, दुनिया भर के सबसे जो ओल्ड जानवर थे एनिमल्स थे उनके छोटे 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 हिस्से इकट्ठे किए. ठीक है, द विसल पिग, द बोबोलिंक, द स्क्रॉक, the polyfrog, the giant cricule, the giant curlicue, the stinging slug and the venomous squally. ये सब imaginative animals हैं basically. Who can spit poison right into your eyes from 50 yards away. So Mr. Willy Wonka का अजीब अजीब से कुछ नाम जो हैं बता रहे हैं चार्ली को, ये मैंने इससे लिया, उससे लिया, वहाँ से लिया, यहाँ से लिया. एक venomous ऐसा स्क्विरल करके कुछ ऐसा है वो इतना वेनेमस होता है, वेनेमस मीन जहरीला, वो इतना जहरीला होता है कि वो 50 यार्ड्स से आपके ऊपर पॉइजन स्पिल कर सकता है. तो मैंने इन सब चीज़ों के छोटे छोटे हिस्से लिए, मतलब बेसिकली मिस्टर विले वोंका इज बिजी काइंड ऑफ यू नो फेंकने में लगा हुआ है, इज जस्ट बिजी बोस्टिंग कि मैंने पता नहीं कौन सा महान काम किया है.
But there's no time to tell you about them all now, Charlie. अभी तो वक्त नहीं है मैं तुम्हें इन सब के बारे में बताऊँ. पहले लंबी चौड़ी फेंक फेंक के पूरी सुना सुना के बोलो. इतना तो भी टाइम नहीं है चार्ली की मैं तुम्हें सब के बारे में बताऊँ. लेट मी जस्ट से क्विकली दैट दैट इन द एंड आफ्टर लॉट्स ऑफ बॉयलिंग एंड बबलिंग एंड मिक्सिंग एंड टेस्टिंग इन माई इन्वेंटिंग रूम आई प्रोड्यूस्ड वन टाइनी कप फुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड एंड गेव फोर ड्रॉप्स टू अ ब्रेव 20-year-old ओम्पा लोम्पा वॉलंटियर टू सी वॉट है. तो क्या बोल रहे हैं मिस्टर विलिवोंका कि ये सभी चीज़ें मैंने इकट्ठे की, फिर इनको इकट्ठे जोड़ा, बबल किया, बॉयल किया, हीट किया, खूब सारे इन पर एक्सपेरिमेंट्स किए और मिक्स करने के बाद में फाइनली मैंने थोड़ा सा ब्लैक लिक्विड क्रिएट किया. ठीक है, और ये मैंने ट्राई किया एक 20-year-old ओम्पा लोम्पा वॉलंटियर टू सी व्हाट हैपेंड. अगेन सम इमेजिनरी कैरेक्टर व्हिच मिस्टर वोंका हैज क्रिएटेड. सो बेसिकली मिस्टर वोंका इज जस्ट बिजी बूस्टिंग एंड जस्ट बिजी क्रिएटिंग फन एंड जस्ट बिजी क्रिएटिंग एन इंप्रेशन दैट ही हैज डन सम आउट ऑफ द वर्ल्ड टास्क. एनीहाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड टू ओम्पा लोम्पा. व्हाट हैपेंड चार्ली आस्क्ड. इट वाज फैंटास्टिक क्राइड मिस्टर वोंका. The moment he swallowed it, he began wrinkling and shriveling up over his, shriveling up all over. तो जैसे ही उसने पिया, shrivel का मतलब होता है सुकड़ना, wrinkle का मतलब होता है झुर्रियां पड़ जाना. तो he began wrinkling and shriveling up all over. His hair started dropping off and his teeth started falling out. And before I knew, it had suddenly become an old fellow of 75. And thus, my dear Charlie, was Vita Wonka invented. So finally, Mr. Willy Wonka कहते हैं कि उन्होंने Vita Wonka invent कर दिया, because जैसे ही उन्होंने किसी ओम्पा लोम्पा को पिलाया वो, तो automatically वो बंदा जो है, जो भी वो था, उनका volunteer वो age हो गया. ठीक है जी, ये है कहानी. मिस्टर विले वोंका ने फाइनली वीटा वोंका क्रिएट किया है. पहले उन्हें वोंका विटी बनाया था और अब उन्हें फाइनली वीटा वोंका क्रिएट किया है विच ही क्लेम्स एजेस पीपल. कहानी खत्म हो चुकी है बच्चों. आई होप थोड़ी सी फनी सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी. आई होप यू एंजॉयड इट. मतलब ज़्यादा कुछ सीरियस नहीं, हल्की फुल्की इंटरेस्टिंग स्टोरी है. सो बिफोर आई लीव यू गाइज, लेट मी टेल यू अबाउट द अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन. बच्चों घर बैठे बैठे पढ़ने का मौका मिलता है. Unlimited access to all courses, top educators, regular जो है आपकी doubt clearing session, फिर आपका पूरा syllabus का coverage, आपका mentorship and guidance, आपका study material, practice test, live test series and batch courses. बच्चों इसका pricing क्या है? 24 months, 25,000, 18 months, 20,000, 15 months, 18,000, 12 months, 13,000, sorry 15,000. तो बच्चों इस प्राइस पर आपको मिलेगा फ्लैट 10% डिस्काउंट यूजिंग माय कोड SOS10. और आप पर मंथ बेसिस पर भी पे कर सकते हो एट अ नो कॉस्ट EMI. ओके बच्चों, अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के क्या क्या फीचर्स हैं? सो यू हैव ऑल द फीचर्स ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन. यू हैव अ पर्सनल मेंटोर, अ लाइव डाउट सॉल्यूशन सेशन, वीकली रिपोर्ट कार्ड, पेरेंट्स कनेक्ट, स्टडी प्लानर एंड ऑल द बेनिफिट्स ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन. तो बच्चों इसकी प्राइसिंग क्या है? 24 मंथ्स की है 48,000, 18 मंथ्स की 35,000, 15 मंथ्स की 32,000. और इस प्राइस पर आपको मिलेगा फ्लैट 10% डिस्काउंट यूजिंग माई कोड SOS10. चलिए सो बच्चों, बिफोर आई लीव यू ऑल, आई वांट टू टेल यू कि डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड SPSO10 इन ऑर्डर टू अनलॉक फ्री स्पेशल क्लासेस एंड टेस्ट सीरीज ऑन द अनअकैडमी ऐप. लव यू ऑल बच्चों, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. And yes, without it goes without saying, you know what is SOS10, zarur use kare to buy your subscription. Bye bachcho, take care.